हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। आज हम करने वाले हैं लेबर स्पेक्टर व्यापम में जो जनरल नॉलेज आया था उसका पार्ट फोर। पार्ट थ्री में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, आज हम करने वाले जनरल नॉलेज पार्ट फोर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तानसेन की मकबरा डैश में स्थित है। दोस्तों आप मुझे बताइए, तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है क्या? ये ग्वालियर में स्थित है कि इंदौर में स्थित है कि उज्जैन में स्थित है कि मुरैना में स्थित है? तो दोस्तों तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे भारतीय रुपये के लिए नया प्रतीक किसने डिजाइन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारे कैसे जो हम देखते हैं ना, जे आर बना रहता है और ये यहाँ पे क्रॉस लगा रहता है। तो ये किसने डिजाइन किया है? ये डिजाइन किया है उदय कुमार धर्मलिंगम ने। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश की सीमा तीन ओर से हरियाणा एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो आप मुझे बताइए किसकी सीमा लगी हुई है सबसे ज्यादा? राजस्थान है क्या वो राज्य? राजस्थान की लगी हुई है कि दिल्ली की लगी है कि पंजाब की लगी है कि उत्तराखंड की लगी है? तो हमको इसमें क्या बताना है, जो हरियाणा से भी लगी हो और पूर्व में कहां से, उत्तर प्रदेश से लगी हो। तो ये राज्य हमारा इकलौता कौन सा है? हमारा ये राज्य नहीं है, हमारी क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? दिल्ली। और अब मैं पिछले अपने वीडियो में बता चुका हूं इन सबकी राजधानियां और यहां के सीएम और राज्यपाल बता चुका हूं, तो आप हमारे पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की अब तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों बताइए अब तक की महिला एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? यह है हमारी उमा भारती। ये बनी थी 2003 से लेकर 2004 के बीच और इनका कार्यकाल सिर्फ एक वर्ष का था। ठीक है, ममता बनर्जी अभी कहां की वर्तमान मुख्यमंत्री है? ये है, बताओ कहां की है, आप ही से पूछ रहा हूं। ये है कोलकाता की है। और सुषमा स्वराज क्या है हमारी? सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है, बताओ कौन सा है? पपीता, आम, अमरूद, केला। तो हमारा राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान डैश में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? जब हमको पता रहे कि हमको नहीं पता कि इंदौर में है, भोपाल में है, जौलपुर में है और रीवा में है, तो हमको इसका, हम जैसे कि इसमें लगाएंगे, ठीक है, तो गैस करेंगे, तो कौन सा राइट लगाएंगे हम इसमें? भोपाल लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी संस्थान हैं जो भी हैं कहां पे हैं? भोपाल में है। मतलब कि जितना भी राजनीति से संबंधित चीजें आएंगी ये भोपाल में आएंगी और पैसे वाली चीज कहां पे आएंगी? उद्योग वाली इंदौर में आएंगी। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अमृत्य कुमार सेन एक बंगाली डैश है। तो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं नोबल पुरस्कार के बारे में, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अमृत्य कुमार सेन क्या है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि पूरी लिस्ट बता दी थी मैंने कि अब तक भारत में कितने लोगों को नोबल पुरस्कार मिला पूरे, तो अमृत्य सेन क्या है? अर्थशास्त्री है। इनको नोबल पुरस्कार मिला ना 1997 में इनको पुरस्कार मिला। ये क्या है? अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है। तो सिंधी समाचार पत्र, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जितने भी समाचार मध्य प्रदेश से प्रकाशित होते हैं ये आपको नोट करना पड़ेगा। तो ये है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्ज है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज है। इस टेस्ट मैच को कौन भूल सकता है? भूल सकता है कोई? हरभजन सिंह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए थे ना इन लोग, इन्होंने 2000 में कितने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज हैं। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं, हरभजन सिंह को क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? अब ये भारत की बात हुई और ये अभी अभी क्वेश्चन MPPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वही सेम टू सेम रिपीट हो गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए आप कौन सा है? बाघ है, शेर है, हाथी तो हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? टाइगर। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते का अर्थ है। ठीक है, तो हमारे जो कॉइन रहते सिक्के भारतीय मुद्रा, उसके बीच, उसके नीचे भी लिखा रहता है ना सत्यमेव जयते, तो आप इसका तो आंसर बता ही सकते हो और सबको पता ही होगा सत्य की
ही जीत होती है, सत्य कभी नहीं झुकता। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान की साक्षरता दर उच्चतम है। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या सुनते आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की है, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की, हमारे केरल की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, कौन सा पदक की बात हुई है यहाँ पे, रजत पदक की। और रजत पदक हमने कब जीता है, ये जीता है 2016 रियो डी जनेरियो ओलंपिक में, जो कहां पे हुआ था, ब्राजील में हुआ था। यहाँ पे हमने दो मेडल जीते थे, एक साक्षी मलिक जीती थी और एक पीवी सिंधु जीती थी। तो रजत पदक कौन जीता, हमारी पीवी सिंधु जीती हमारा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन क्षेत्र है, इसमें देश तो पूछा नहीं है, इसमें अब देखो जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे होती है, हमारी असम में होती है, हमने अपने वीडियो में मूवीज में देखा होगा। ठीक है, आप मुझे बताइए नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, असम की राजधानी दिसपुर है, मिजोरम की क्या है, आइजोल है, और अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर है। बढ़ते हम आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हमारा, एशिया है। ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। एशिया, तो एशिया है यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध बाघ गुफा मध्य प्रदेश के कहां पे स्थित है, ये धार में स्थित है। धार कहां पे, और ये इंदौर के पास, जैसे ये इंदौर है तो यहां पे धार है, मतलब इंदौर से सटा हुआ है धार। ठीक है, देखते हैं आगे। नेहरू स्टेडियम डैश में स्थित है, नेहरू स्टेडियम में मैच भी होते हैं, रणजी ट्रॉफी भी होती है, तो ये कहां पे है हमारा, इंदौर में, मतलब मध्य प्रदेश में स्टेडियम ज्यादा इंदौर में है और ग्वालियर में, भोपाल और जबलपुर में नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, और मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आप नहीं पढ़ोगे और अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो गलत कर दोगे। क्यों, क्योंकि जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि बरगी बांध किस नदी पर है, तो ये बरना नदी पर है। ठीक है, जैसे इसमें बोला है कि इसमें राइट आंसर तो नर्मदा है, कि जो बरगी बांध कहां पे स्थित है, नर्मदा नदी पे स्थित है। यदि इसमें नर्मदा की जहां पे नर्मदा भी होता और बरगी नदी भी होती तो आपको क्या लगाना पड़ता, बरगी नदी लगाना पड़ता, क्योंकि व्यापम नर्मदा को भी सही मानता है और बरना नदी को भी सही मानता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश ने पल्सर नेविगेशन सैटेलाइट XPNAV-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये सारी चीजें कौन करता रहता है, चीन करता रहता है। जितना भी नई चीजें हैं चीनी करता रहता है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, और चीन की मुद्रा क्या है, चीन जैसे दो अक्षर का है तो युआन है और रेनमिनबी। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, तो बताइए कौन है ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या है, हमारा साइना नेहवाल है। साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, तो ये पहली महिला है। ठीक है, और अभी पीवी सिंधु ने 2016 में रजत पदक जीता, अभी हम पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्टेट बैंक ने श्रीलंका में अपनी सेवाओं के कौन सा वर्ष बनाया है, भारतीय स्टेट बैंक ने, तो ये बनाया है 150वां वर्ष। ठीक है, देखते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जैसे कान्हा किसली मध्य प्रदेश में, ये तो मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा है, संजय है, कौन सा नहीं है हमारा, ये नहीं है हमारा, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का नहीं है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। भारतीय कबड्डी टीम ने 2016 में कबड्डी विश्व कप जीतने के लिए फाइनल में किस देश की टीम को हराया था, तो किसको हराया था, ईरान को हराया था, जहां की राजधानी क्या है, तेहरान है। ऑस्ट्रेलिया की मैं बता चुका हूं, थाईलैंड की क्या है, बैंकॉक है। दक्षिण कोरिया की क्या है, सियोल है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2016 के एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में किस देश की टीम को हराकर चैंपियनशिप जीती, तो किसको हराया था हमने, पाकिस्तान को हराया था, जिसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है,
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन, हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर क्या है? तो आपको भी पता होगा कि हिमालय का ही नहीं, ये विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है, और सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल स्टडी बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।